साइबर सिटी की लगातार बढ़ रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर क्राइम यूनिट गुरुग्राम ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में साइबर क्राइम यूनिट ने एक नाबालिग सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। क्राइम यूनिट द्वारा साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी देश भर में 15,47,00,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किए जा रहे 4 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड व 4,20,000 रुपए की नकदी बरामद की है। आरोपियों की पहचान साहिल, सुशीला, प्रवीण, वकील, गोविंद व संदीप के रूप में हुई है। देखिए, गुरुग्राम साइबर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगभग 15 करोड़ ठगी की शिकायतें उनसे संबंधित पाई गई हैं। लगभग 4,875 शिकायतें इनके विरुद्ध पूरे भारतवर्ष में दर्ज हैं। हर हफ्ते की तरह हर सोमवार हम एक लिंकेज एनालिसिस का डेटा निकालते हैं, तो उसी क्रम में इस सोमवार भी हमने ये डेटा निकाला है। और I4C से हमारा एक एक्टिव कोऑर्डिनेशन रहता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से, और इनसे जो आरोपियों से मोबाइल नंबर, सिम वगैरह रिकवर होते हैं, हम उसको I4C के डेटाबेस में पूरा सर्च करते हैं और ये देखा जाता है कि ये जो मोबाइल नंबर या सिम कार्ड जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो और अन्य किन शिकायतों में संलिप्त है, और उससे हमें पता लग पाता है कि पूरे भारतवर्ष में इन आरोपियों द्वारा और कितने साइबर क्राइम को अंजाम दिया गया है। हाँ, इनसे बरामदगी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। इनसे 4,20,000 रुपये, 4 मोबाइल फ़ोन व 2 सिम कार्ड की बरामदगी हुई है। सर, आजकल पाकिस्तान के नंबर से भी लोगों को कॉल आ रही है लगातार। देखिए, बेसिकली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि ये जो नंबर, चाहे पाकिस्तान का नाम आपने बताया या किसी भी कंट्री का, ये बेसिकली वर्चुअल नंबर्स होते हैं, और जो आरोपी होते हैं ये वेबसाइट्स पे वर्चुअल नंबर परचेज कर लेते हैं और लोगों को कॉल करके उनसे समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं, या जैसे आपने बताया कि पुलिस की वर्दी पहन के या किसी गवर्नमेंट सर्विस की वर्दी पहन के लोगों को उनको धमकाने का प्रयास करते हैं या उनका विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं ताकि लोग उनके झांसे में फंस जाएं। तो मैं सभी गुरुग्राम वासियों को बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के अननोन व्हाट्सएप कॉल इत्यादि को कभी भी ना उठाएं, और यदि आपको लगता है कि कुछ आपके साथ फ्रॉड करने का प्रयास किया जा रहा है या आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं जिस पर आपको शक होता है, तो तुरंत 1930 पे कॉल करके पुलिस को ज़रूर जल्दी से जल्दी बताएं। गौरतलब है कि ये सामने आया है कि आरोपी लोगों को फोन कॉल करके बातों में उलझाकर ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करने, शेयर मार्केट में निवेश करवाकर ठगी करने, ऑनलाइन लोन देने के नाम पर व जानकार बनकर पैसे ट्रांसफर करवाने इत्यादि प्रकार से धोखाधड़ी करके ठगी की वारदातों को अंजाम देती थी। पंजाब के सी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।